आज हम वॉल्टर डीला मेयर के द्वारा लिखी हुई एक बहुत छोटी और बहुत इंटरेस्टिंग जो पोएम एंड एपिटाफ पढ़ेंगे। और यह पोएम जो है बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कम लाइन्स में है। और इस पोएम में जो कवि है वॉल्टर डीला मेयर, वह यह बताते हैं कि जो ब्यूटी है वह ट्रांजिएंट है, यानी टेम्प्रोरी, समय के लिए वो नष्ट हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। जो हमेशा रहता है वह इंसान का जो डीड है। तो सबसे पहले जो है हम वॉल्टर डीला मेयर के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। एन एपिटाफ वॉल्टर डीला मेयर के द्वारा लिखी गई है। और वॉल्टर डीला मेयर, जिनका जन्म 1873 और जिनकी डेथ जो है 1956 में हुई, इनका जन्म जो हुआ था वो चार्ल्टन केंट के एक गांव में हुआ था जिसका नाम चार्ल्टन था, जो इंग्लैंड में है। इन्होंने अपने पिता को जो है 4 साल की अवस्था में ही खो दिया और ये अपने फैमिली के साथ जो है लंदन जो है वह चले गए। और इन्हें जो जाना जाता है मेनली, ये बच्चों के लिए इन्होंने बहुत से स्टोरीज लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज, लिटरेचर बच्चों के लिए। और सुपर नेचुरल एलिमेंट जो हैं इनके बहुत से वर्क में मिलेंगे। सुपर नेचुरल यानी जो नेचुरल नहीं हो, जो असामान्य, अस्वाभाविक कह सकते हैं, अलौकिक, जिसे जो है हम आसानी से, जैसे भूत प्रेत से रिलेटेड जो चीज़ होती हैं वो सुपर नेचुरल होती हैं। तो इन्होंने बहुत ही सेंसेटिव जो छोटे छोटे नाजुक मुद्दे हैं बच्चों से लेकर, उसे इन्होंने डिपिक्ट किया है, लिखा है, और सुपर नेचुरल के बारे में भी लिखा है। इनकी जो पोएम है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पिकक पाई जो है वह जो है पूरे वर्ल्ड के ड्रीम को जो है वह डिपिक्ट करता है, बताता है। डिपिक्ट का मतलब होता है बताना या चित्रण करना, चित्र में दिखाना। लेकिन इनके जो गीत में जो है एक मेलंकली, एक उदासी देखने को मिलती है। वॉल्टर डीला मेयर के वर्क में एक उदासी देखने को मिलती है, मेलंकली, उदासी, दुख। और जो पोएट हैं यह हमें अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं कि जो इनह्यूमन कंडीशन, अमानवीय, मनुष्य के अंदर जो ये निर्दयता जो है, अमानवीय क्रूरता, आज के मॉडर्न युग में, आज के युग में जो है उससे हमें अवेयर करते हैं। एंड ही शोज हिज जीनियस बाई इविंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम। और यह जो है बिल्कुल पुराने थीम में एक नए इंटरेस्ट से शुरू करते हैं। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड जो है इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट जो 1953 में देती हैं। तो इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट कब मिलता है? 1953 में, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। और आपके पूरे बुक में अगर इस प्राइज के अलावा, ऑर्डर ऑफ मेरिट के अलावा अगर बात की जाए तो एक नोबेल प्राइज भी है। और नोबेल प्राइज इसमें तीन ऐसे राइटर्स हैं जिन्हें नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिलता है, और एक जो राइटर है उन्हें नोबेल प्राइज पीस में मिलता है, जो मार्टिन लूथर जूनियर किंग है, जिन्हें 1964 में मिलता है, जिनका प्रोज वर्क जो है आई हैव ए ड्रीम, वो हमें पढ़ना है। दूसरा जो है वो बर्नार्ड रसेल, जिसे 1950 में आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये भी हमें पढ़ना है। पल्स इस बुक इंडिया थ्रू ट्रेवलर साइज, इन्हें 1938 में। और 1948 में जो मिलता है वह टी ए सिलियट को मैकविटी के लिए मिलता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब टेक्स्ट जो है, अब लाइंस देखते हैं, वर्स देखते हैं। एंड एपिटाफ का, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। सबसे पहले एन एपिटाफ का मतलब समझते हैं। एपिटाफ होता है जैसे आपने कब्र के पास देखा होगा, बहुत से कब्र जो हैं वैसे क्रिश्चियंस के जो कब्रिस्तान होते हैं, ग्रेवयार्ड जो होते हैं, उन्हें पत्थर से या तो घेर दिया जाता है या पत्थरों से वो ढके हुए रहते हैं या सीमेंटेड होते हैं। और सिर के तरफ जो होता है वह जो एक स्टोन की तरह निकला हुआ होता है, और उस पर जो है लिखा हुआ होता है, कुछ इंस्क्रिप्शंस होते हैं, कुछ लिखे हुए होते हैं, खुद कर लिखे हुए होते हैं। तो वही लिखा हुआ जो होता है उसे एपिताफ कहते हैं, जो कब्र पे लिखी हुई होती है। क्लियर? एपिताफ यहाँ आप पिक्चर में भी एपिताफ को देख सकते हैं। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ रहती है एक बहुत ही खूबसूरत औरत। कवि जो है किसी कब्र के पास बैठा हुआ है और कब्र की तरफ देखकर इशारा करके वह कहता है, हेयर यानी इस कब्र में लाइज, लेटी हुई है यानी दफन है
एक बहुत ही खूबसूरत औरत, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज शी। उसके जो कदम थे वह बहुत लाइट थे, बहुत हल्की थी, यानी वह कभी यहाँ चली जाती थी, कभी वहाँ चली जाती थी, वह अक्सर घूमती रहती थी, कभी इधर कभी उधर। लाइट ऑफ स्टेप एंड लाइट ऑफ हार्ट, उसका जो हृदय था वो भी काफ़ी लाइट था, बहुत ही काइंड था, दयालु था। यानी उसके जो हार्ट में है वैसे कोई भी वादा पूरा करने का ऐसा कुछ नहीं था, नो कमिटमेंट, कोई भी वादा, वादा से बिल्कुल मुक्त थे। तो यह जो लेडी है बहुत ही चंचल थी, ओके, बहुत ही चंचल और दयालु थी वह। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी। और पोएट कहता है कि मैं सोचता हूँ वो बहुत ही खूबसूरत जो है वह औरत थी, बहुत ही खूबसूरत। डेट ईवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, शायद ही ऐसा पश्चिमी देश में हो, यानी यूरोप में हो, शायद ही ऐसा हो। बट ब्यूटी वैनिशेज, लेकिन ब्यूटी जो खूबसूरती है वह ख़त्म हो जाती है, वह गायब हो जाती है, वह मिट जाती है। वैनिशेज, वैनिश, मिट जाना, ख़त्म हो जाना, गायब हो जाना। ब्यूटी पासेज, ब्यूटी जो है ख़त्म हो जाती है, ब्यूटी मर जाती है, ब्यूटी चली जाती है, ब्यूटी ढल जाती है। यानी जो खूबसूरती है वह गायब हो जाती है, मिट जाती है, वह ढल जाती है समय के साथ, वह नष्ट हो जाती है। ओके, हाउ एवर रेयर, चाहे कितनी भी असाधारण ब्यूटी क्यों ना हो, असमान ब्यूटी क्यों ना हो, कितनी भी रेयर क्यों ना हो, रेयर इट बी, यहाँ पे रेयर दो बार इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे कुछ इम्फेसाइज किया जा रहा है, कितनी भी असाधारण खूबसूरती हो लेकिन वह जो है वह मिट जानी है, वह बर्बाद हो जानी है, वह ख़त्म हो जाती है। रेयर इट बी एंड वेन आई क्रम्बल, और जब मैं टुकड़े टुकड़े में हो जाऊँ, यानी जब मैं मर जाऊँ, यहाँ जब मैं मर जाऊँ, हु विल रिमेम्बर, कौन उसे याद करेगा, हु विल रिमेम्बर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस औरत को जो ये पश्चिमी देश की है। तो यहाँ पे यह पोएम जो है बहुत ही कम लाइन की है और बहुत ही ईजी है। इसमें जो वर्ड्स कुछ इस्तेमाल किए गए, जैसे हियर लाइज, यह डिनोट करता है कि वह जो लेडी है, पहले तो टाइटल ही डिनोट कर देता है एपिताफ, यानी एपिताफ अगर कोई मरा हुआ हो उसके कब्र पे जो लिखी जाती है उसे एपिताफ कहते हैं। तो यहाँ इसे क्लियर हो गया, हियर लाइज, यहाँ भी जो है यहाँ से क्लियर हो गया कि एक जो औरत जो है वह लेटी हुई है, वह दफन है यहाँ पे, और वो कहाँ की औरत है, वो वेस्ट कंट्रीज, यूरोप कंट्री में, शायद भी वैसी खूबसूरत, यानी कभी बताता है कितनी भी खूबसूरती हो लेकिन उसे मिट जाना है, ये ट्रांजिएंट है, ये टेम्प्रोरी समय के लिए ये खूबसूरती है। ओके, लव और ब्यूटी जो है वह एवर लास्टिंग जो है वो नहीं है, वह जो है इटरनली नहीं है, यानी हमेशा के लिए जो है वह नहीं है। और फिजिकल जो ब्यूटी है वह ख़त्म हो जाती है, जो बाकी रहती है वो क्या रहती है, इसमें ये मीनिंग का भी लेयर आता है कि ब्यूटी तो ख़त्म हो गई, वो तो वैनिश हो गई, जब मैं मर जाऊँगा तो उसे कोई याद नहीं करेगा। अगर डीड्स हो, यानी जिसे हम कहते हैं कोई कार्य जो होता है वह हमेशा याद किया जाता है, यह कभी ख़त्म नहीं होता, यह कभी मुरझाता नहीं, या कभी कभी गायब नहीं होता। एक मनुष्य जो याद किया जाता है वह अपने डीड के हिसाब से याद किया जाता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ फोकस करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे शुरू में ही जब डिटेल्स हमने पढ़ी थी वॉल्टर डीला मेयर की, वहाँ पे इन्होंने पहले ही यहाँ पे क्लियर था, द पोइट मेक्स अस अवेयर ऑफ इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। यह अमानवीय जो मनुष्य की स्थिति है इस मॉडर्न लाइफ में वह दर्शाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ब्यूटी है, इंसान कैसे ब्यूटी के पीछे, लव के पीछे इंसान कैसे पागल है, कैसे उसके पीछे भाग रहा है, जो ट्रांजिएंट है, जो टेम्प्ररी है, जिसका वजूद नहीं है, जो ख़त्म हो जाएगा, जो नष्ट हो जाएगा, जो हमेशा के लिए नहीं है, और जो हमेशा के लिए है इंसान उसके लिए कुछ नहीं करता है। तो ये छोटी सी पोएम में जो है बहुत ही मैसेज है। ओके, तो ये वॉल्टर डीला मेयर की जो पोएम है एपिताफ, यह बहुत भारी भी नहीं है, आप इसकी समरी बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। वैसे समरी अगर लिखना होता है तो 100 से 120 या 130 जो है वो वर्ड्स में लिखना होता है। ओके, तो ये बहुत भारी काम नहीं, और ये पोएम काफ़ी आसान है, जिसमें कुछ पोइट्स के डिटेल्स और इस पोएम के जो है लाइन से जो है हम एक्सप्लेनेशन उसका लिख सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन के लिए भी अगर आएगा तो ये बहुत भारी नहीं है और इजी पोएम है, इस लाइन को आप बिल्कुल आसानी से पकड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी का जिक्र है,
वेस्ट कंट्री, ब्यूटी, अगर ऐसे वर्ड्स आपको मिले, या आई क्रम्बल, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, तो आप समझ जाएं कि यह लाइन जो है एन एपिताफ से है, जिसे वॉल्टर डीला मरी ने सॉरी वॉल्टर डीला मेयर ने लिखा है। तो ये पोएम हमने ख़त्म कर दिया, और ये पोएम बहुत भारी नहीं है, आपने ज़रूर इसमें इंटरेस्ट लिया होगा। और नेक्स्ट जो पोएम है वो द सोल्जर, वो भी हम जल्द से जल्द उसकी वीडियो भी लेकर आएंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।